हमजा शहबाज की नैब में पेशी। नैब ऑफिस के बाहर लीगी कारकुन की गाड़ी से असलहा बरामद हुआ, जबकि पुलिस ने कारकुन को थाना चूंग मुंतकिल कर दिया। हमजा शहबाज के तर्जुमान इमरान गुराया कहते हैं कि ये कारकुन के असलहे का लाइसेंस भी मौजूद है उनके पास। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, राहिल सईद हमारे साथ मौजूद है। राहिल, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये? जी, हमजा शहबाज जब नैब में जो है पेशी के लिए जब पेश हुए तो उनके कारकुन जो उनके साथ है, 9 नवंबर उनके गाड़ी की जब चेकिंग की गई तो उसमें असलहा मौजूद था, जिसके पर जो पुलिस है उसने फौरी तौर पर 9 नवंबर को रास्ते में ले लिया और उन्हें जो चूंग थाने वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया। इस हवाले से जो इमरान गुराया था उनका कहना ये था कि जो 9 नवंबर मुस्लिम लीग के कारकुन है और उनके पास असलहा का जो लाइसेंस है बाकायदा तौर पर मौजूद था। हम पुलिस को काम पर कहना था कि बकायदा तहकीकत के बाद ही फैसला किया जाएगा कि इनके पास जो असलहा लाइसेंस है वो वैलिड भी है या नहीं। तहम मौके पर जो पुलिस एहलकार जो थे वो मुस्लिम लीग की कारकुन को थाना चूंग ले गए थे। अच्छा राहिल, ये बताइएगा हमजा शहबाज के तर्जुबान का इस हवाले से मौकफ सामने आया है, उस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, हमजा शहबाज का जो मौकफ सामने आया था वो यही था, असले के हवाले से तो उनके तर्जुबान का मौकफ ये था जो मुस्लिम लीग कारकुन जो है उनका जो है मुस्लिम लीग का कारकुन है और उसके पास असले का लाइसेंस मौजूद है और जो है तहकीकत जब पुलिस कर लेगी तो फिर उन्हें जो है छोड़ दिया जाएगा। तहम दूसरी जगह जब उनके तर्जुमान से हमने ये भी पूछा कि जो हमजा शहबाज के जो बहन है उनको जो नोटिस वसूल हुआ थे वो अब तक सवालनामा जो है नैब की जानब से पहुंचा दिया गया, तो उनका कहना है अभी तक कोई सवालनामा जो है नैब की जानब से जो कहा गया था कि भिजवाया गया वो अभी तक हमें मौसूल नहीं हुआ। अभी तक वही लेटर हमें तलजी का जो है वही मौसूल हुआ है नैब की जानब से, ये कहा गया था कि सवालनामा भिजवाया जा रहा है लेकिन अब तक सवालनामा हमारे तक नहीं पहुँचा। ठीक है राहिल सैयद, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आप हमें आगाह कर रहे थे।